पॉइंटर्स थे, कैसे उन्होंने कहा कि सिपाही से लेकर कप्तान तक की जवाबदेही तय होगी। तस्वीर भी आपको चलिए दिखा देते हैं। तस्वीर देखिए, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ मंथन करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चेतावनी तो दे दी गई है लेकिन प्लान ऑफ एक्शन भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से तैयार किया गया। कल जब बैठक हुई तो क्लियर नैरेटिव दिया गया है अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को। आप देखिए, यहाँ पर पुलिस अधिकारी बैठे हुए हैं, प्रशांत कुमार बैठे हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश बैठे हुए हैं, और सभी ये जो अधिकारी हैं इनको ये कहा गया है कि बिल्कुल देरी नहीं होनी चाहिए, जैसे ही शिकायत आए तुरंत कार्रवाई हो, इसको लेकर पूरी तरह से मुस्तैदी रखनी है। लेकिन कैसे कैसे महिला सुरक्षा को लेकर फुल गारंटी ले रहे हैं योगी आदित्यनाथ, क्योंकि सिर्फ गारंटी नहीं ले रहे हैं, उन्होंने फैसले लिए हैं। दो बड़े फैसले पिछले कुछ दिनों में लिए गए हैं। कौन से दो बड़े फैसले हैं, चलिए जानकारी आपके सामने रख देते हैं। देखिए, सबसे पहले एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया था। ये उन लोगों के लिए था जो सड़क पर चलते फिरते लोगों को छोड़ने की कोशिश करते थे, छेड़ने की कोशिश करते थे, उनके लिए ये था। वहीं ऑपरेशन शक्ति अभियान भी उनकी तरफ से यहाँ चलाया गया है। तो 2017 में जब से मुख्यमंत्री वो बने, तब से ही उन्होंने फैसले लेने शुरू कर दिए थे। और ये वो जो दो बड़े फैसले हैं जिसका असर उत्तर प्रदेश में बदलती फिजा में भी देख रहे हैं, वो समझ में आ रहा है। लेकिन क्या है एंटी रोमियो स्क्वाड और कैसे ये महिलाओं की मदद करता है? जब 2017 में योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए तो उन्होंने इसका गठन किया, क्या इसकी बड़ी बातें हैं, जरा बताएं कैसे ये महिलाओं की सुरक्षा करता है। चलिए, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। सीएम योगी ने देखिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने का ऐलान किया था 2017 में ही इसका गठन कर दिया गया। एआरएस का मकसद था लड़की महिलाओं से छेड़छाड़ रोकना। एंटी रोमियो स्क्वाड का जिम्मा जोनल आईजी को दिया गया। डीजीपी के निर्देश पर यूपी के थानों में विशेष दस्ते इसके लिए बनाए गए थे, स्पेशल टीम्स बनाई गई थी। एंटी रोमियो स्क्वाड में महिला पुलिस को भी शामिल किया गया था, जिससे जब महिलाएं शिकायत करें, अपनी बात रखने के लिए सहज महसूस करें, महिला पुलिस को भी इसमें शामिल किया गया। महिलाओं, छात्राओं को छेड़ने, कमेंट करने वाले शोहदों पर इस एंटी रोमियो स्क्वाड के जरिए शिकंजा कसा गया। मंचलों को पकड़कर थाने के रजिस्टर में उनके नाम दर्ज कर लिए जाते थे। तो ये एंटी रोमियो स्क्वाड कारगर साबित हुआ और उत्तर प्रदेश में जो पहले की तस्वीर थी वो बदल गई। वही मिशन शक्ति क्या है, हमने आपको बताया ऑपरेशन शक्ति भी चलाया था योगी आदित्यनाथ ने, तो वो ऑपरेशन शक्ति क्या है वो भी अब आपको बता देते हैं। महिलाओं और लड़कियों को जागरूक करने की ये पहल है, महिलाओं और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना यानी मजबूत बनाना, महिलाओं पर हिंसा करने वालों की पहचान भी सामने लाना, महिलाओं को राज्य में सुरक्षित महसूस कराना, ये वो एजेंडा है जिसके तहत मिशन शक्ति काम कर रहा है। और इसको लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने कोशिश यही की है कि हर महिला खुद को मजबूत महसूस करे, अपनी बात रख पाए, खुलकर रख पाए, और जब बात रखे तो कार्रवाई हो, ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तो ये तो अब बात हो गई कि मंचलों का कैसे व्हीलचेयर इलाज किया जा रहा है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की अब बात करते हैं, जहां आपको बताएं कि माफिया को लेकर जो बहुत सहानुभूति का एक दौर चला था उसकी सच्चाई आज आपको बताने वाले हैं। मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है। हमारे पास पुख्ता सबूत है कि उनको जहर दे करके मारा गया है। उनकी फैमिली कह रही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया है जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। तो आपको याद होगा मुख्तार अंसारी, वो माफिया जिसको लेकर पूर्वांचल में लोगों की धड़कनें कांप जाती, लेकिन बदले हुए उत्तर प्रदेश में सब कुछ बदल गया। लेकिन जब माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हुई तो एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई। दरअसल चुनाव बिल्कुल सर पर थे, लोकसभा चुनाव आने वाले थे, और उस दौरान एक झूठी थ्योरी फ्लोट की गई। लेकिन अब पूरी सच्चाई सामने आ गई है, क्योंकि जब थ्योरी फ्लोट की गई थी तो उसको ध्यान में रखते हुए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए थे, और आदेश देने के बाद जो सच्चाई सामने आई है, रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं। मार्च 2024 को माफिया मुख्तार अंसारी बांदा जेल में हार्ट अटैक आया। जेल प्रशासन ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन माफिया मुख्तार अंसारी को बचाया नहीं जा सका। माफिया मुख्तार अंसारी के मरते ही सियासत ने जोर पकड़ा, विपक्षी नेताओं ने मुख्तार की मौत पर सियासी थ्योरी गढ़नी शुरू की।
डॉक्टरों ने जहां हार्ट अटैक को मौत की वजह बताई, वहीं सियासतदानों ने मुख्तार अंसारी की मौत का अपने हिसाब से पोस्टमार्टम कर दिया। मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है। लेकिन कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते, लेकिन वो हर तरफ चलता है। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद ये कहावत सच साबित हुई। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और असदुद्दीन ओवैसी की तात्कालिक ट्वीट देख लीजिए। इन नेताओं ने जनता के सामने झूठ परोसा, सियासी फायदे के लिए झूठा नैरेटिव गढ़ा। पूरा विपक्षी कुनबा ये साबित करने में जुट गया कि मुख्तार अंसारी की मौत जहर देने से हुई। इस परिवार से हमारे राजनीतिक संबंध रहे हैं और कई बार के ये विधायक रहे हैं, तो देखिए इनकी मौत संदेह में है, तो न्यायपालिका को तुरंत इस पर ले लेना चाहिए। उनके परिवार के लोगों ने माननीय न्यायालय में भी इस बात को कहा कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और लगातार उनका परिवार इस प्रयास में था कि उनका बेहतर इलाज हो सके, लेकिन आप सोचिए और कल्पना करिए, सीधे आईसीयू से ले जाके जेल में वापस कर देना, 100% सरकार के द्वारा इस तरह की घटनाओं को किया जा रहा है। लेकिन कहा यह भी जाता है कि झूठ की उम्र लंबी नहीं होती और मुख्तार की मौत पर विपक्ष के फैलाए झूठ ने भी मजिस्ट्रियल जांच के आगे दम तोड़ दिया। जिस माफिया की मौत को साजिश का झूठा जामा पहनाया जा रहा था, उस झूठ का पर्दाफाश हो गया है। मुख्तार की मौत को लेकर बांदा के जिलाधिकारी ने 5 महीने में शासन को रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें दावा किया गया है कि माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, ना कि उसे खाने में जहर दिया गया। हमारे पास पुख्ता सबूत है कि उनको जहर दे करके मारा गया है। माफिया मुख्तार की मौत पर आई जांच रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मुख्तार के बैरक में जो चना, गुड़ और नमक मिला है, उसमें जहर नहीं पाया गया है। उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई। मुख्तार को ना तो पॉइजन और ना ही स्लो पॉइजन दिया गया। इस रिपोर्ट के आने के बाद अब माफिया मुख्तार की मौत को लेकर उठ रहे तमाम सवालों के जवाब मिल गए हैं। साथ ही इस बात का भी खुलासा हो गया है कि कैसे विपक्ष ने कुख्यात माफिया की मौत पर झूठ फैलाकर अपनी सियासी रोटियां सेकी। उनकी फैमिली कह रही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया है, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था पर झूठा नैरेटिव गढ़ा। लोकसभा चुनाव हो या उपचुनाव, अखिलेश यादव की तरफ से लगातार झूठ परोसा और फैलाया जा रहा है। धर्म और जाति वाली राजनीति करने वाले अखिलेश अयोध्या और कन्नौज की बेटियों का हाल जानने नहीं पहुंचते, लेकिन माफिया मुख्तार के घर पारिया पड़ने और मंगेश यादव जैसे डकैतों के एनकाउंटर पर आंसू जरूर बहाते नजर आ जाते हैं। ऐसे में यूपी की जनता को तय करना होगा कि उन्हें लॉ एंड ऑर्डर का योगी मॉडल चाहिए या विपक्ष की जाति धर्म वाली राजनीति। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।